अपर्णा यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू बीजेपी में शामिल हो गई है। बीते कई दिनों से अपर्णा यादव की बीजेपी में शामिल होने की खबरें राजनीतिक गलियारों में चल रही थी। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की तरफ से टिकट का भरोसा न मिलने पर अपर्णा ने ये कदम उठाया है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो गई है। उन्हें दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। बताया जा रहा है कि वो लखनऊ कैंट से टिकट नहीं मिलने से अखिलेश से नाराज थी। अपर्णा मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा ने भाजपा की सदस्यता लेने के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूं, मुझे आपका सहयोग बहुत जरूरी है। ताकि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी जी। अपर्णा को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अपर्णा के भाजपा में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रदेश का विकास हो रहा है। अखिलेश यादव सांसद और मुख्यमंत्री के तौर पर असफल रहे, बार बार कहते थे कि हर योजना हमने शुरू की है। अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने की खबरें पिछले 3 दिनों से चल रही थी। तब अपर्णा के करीबियों ने दावा किया कि अब अपर्णा भाजपा में शामिल नहीं होंगी। परिवार में सब कुछ ठीक है। शिवपाल ने भी अपर्णा को परिवार की पार्टी में रहने की सलाह दी थी। साथ ही अखिलेश ने भी कहा था कि परिवार में सब ठीक है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अपर्णा भाजपा में शामिल हो गई? दरअसल अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने के पीछे अखिलेश यादव का वो फैसला है जिसने परिवार में भूचाल ला दिया है। सूत्रों का दावा है कि अखिलेश यादव ने फैसला किया है कि इस बार किसी भी कीमत पर परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं देंगे। अखिलेश के इस फैसले के बाद ही अपर्णा ने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। मुलायम परिवार के सूत्रों की माने तो अपर्णा हर कीमत पर इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। इसको लेकर अपर्णा लगातार मुलायम सिंह यादव पर दबाव डाल रही थी। सूत्रों का तो ये भी दावा है कि मुलायम सिंह यादव ने अपर्णा के टिकट के लिए अखिलेश से भी बात की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जब अपर्णा की भाजपा ज्वाइन करने की बात शुरू हुई तो फिर परिवार में कलह मच गई और अपर्णा ने अपना फैसला टाल दिया। कहा गया कि अब अपर्णा परिवार और पार्टी में ही रहेंगी, लेकिन आज अपर्णा आखिरकार भाजपा में शामिल हो गई। भाजपा सूत्रों का दावा है कि अपर्णा से पार्टी में शामिल होने के लिए बातचीत लगातार चल रही थी, इसे बेहद गोपनीय रखा गया था। अपर्णा लगातार सीएम योगी के संपर्क में थी। मंगलवार की शाम करीब 3 बजे शिवपाल यादव अखिलेश से मिलने समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे। उस दौरान उनकी कार में अपर्णा के छोटे भाई अमन विष्ट भी मौजूद थे। शिवपाल यादव ने परिवार के सदस्यों की टिकट को लेकर भी बात की। खबर है कि उस दौरान अखिलेश ने परिवार के किसी भी सदस्य को भी टिकट देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अपर्णा ने सिग्नल ग्रीन कर दिया। अपर्णा यादव भाजपा से कैंट सीट की दावेदारी भी कर रही हैं। अपर्णा यादव ने 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ कैंट सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था। उन्हें बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। उनके लिए अखिलेश यादव ने प्रचार भी किया था। जोशी के सांसद चुने जाने के बाद हुए उपचुनाव में भी बीजेपी ने ये सीट जीत ली थी। पार्टी में शामिल होने के बाद अपर्णा को कैंट सीट मिल सकती है। न्यूज डेस्क, डेली इंडिया न्यूज।